आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पांच वक्त नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। सुबह उठें सबसे पहले परिंदों को नाश्ता वगैरह लाजमी दें और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करें जहाँ तक आप कर सकें। तो ये अभी बातें करते या वीडियो बनाते कोई भी गलती हो रही है आप कौन वक्त में लाजमी ये बताइएगा तो उसे हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई आप एड्रेस बताइएगा। ग्रीन टाउन में रहते हैं तीन ब्लॉक में। ठीक है। नहीं स्टाफ का बताइएगा जी जहाँ पे आप खड़े होते हैं। इसका नाम है ग्रीन टाउन गंडेरी चौक। गंडेरी चौक ठीक है। तो ये अड्डा परमानेंट और बहुत पुराना अड्डा है। ठीक है। हम यहीं खड़े होते हैं गाड़ी। ठीक है। नंबर आपका मैंने ऐड कर दिया जो आगे लिखा हुआ था। ठीक है। तो ये गाड़ी आपकी कितने सीटर है ये बताइएगा। ये सेवन सीटर है। सेवन सीटर है। सेवन से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं या सेवन सीटर है? सेवन सीटर। तो ये कितने सीसी है गाड़ी? 800 सीसी। 800 सीसी गाड़ी है। तो ये एक लीटर में कितने किलोमीटर कर रही है गाड़ी? एक लीटर में जी 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर मोटरवे पे भी 14 किलोमीटर कर रही है ज़्यादा? मोटरवे पे इतनी करती है 14 किलोमीटर। शहर के अंदर? और शहर के अंदर थोड़ा सा कम कम हो जाती 12 किलोमीटर तक की करती है। तो ज़्यादातर मोटरवे पे आप कितनी स्पीड रख रहे हैं इसकी? मोटरवे पे इसकी जो ना 80 85 90 80 90। ठीक है। तो शहर के अंदर जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ उसके मुताबिक 60 किलोमीटर से कम ही रखते हैं। 55 50 60। ठीक है। ऊपर नहीं जाते। पहाड़ी इलाकों में तो वो उसकी चढ़ाई के हिसाब से अब चला रहे हैं। उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो इसकी स्पेस बैक दिखाइएगा हमें कितनी है ये। ये बैग स्पेस है इस पे कम से कम लगता है एक बैग और कुछ सामान वगैरह आ सकते हैं। दो टैची वगैरह या एक हैंड बैग जो कैरी होता है वो छोटा आ सकता है। आगे ये मसला न्यू सीटें हैं। पंखे लगे पंखों। ठीक है। इधर पंखों के लिए ये हाँ, बच्चों की सहूलत के लिए पंखे लगाए हुए हैं। हाँ, इसमें एसी नहीं आया गाड़ी में। ठीक है। ये मैनुअल है? हाँ जी मैनुअल है। तो एसी के बगैर हमने ने ये पंखे लगाए हुए हैं। ठीक है। बच्चों के लिए हवा वगैरह। तो और कुछ आप बताना चाहते हैं गाड़ी के मुताबिक? गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसका कम खर्चा है। सही। बड़ी गाड़ियों से एसी वालों से। तो दूसरे नंबर पे गाड़ी चलाने का क्या तरीकाकार होता है? पैर नॉर्मल रखना चाहिए या हम कहते हैं कि ये देखिए अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आप हाँ खुद भी अपने पास करो और दूसरों को भी करो। सीट बेल्ट लाजमी इस्तेमाल। सीट बेल्ट लाजमी बांधो। उसके बाद ओवरटेकिंग कर लिए के लिए अपना इंडिकेटर यूज़ करो। ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है इंडिकेटर। और गाड़ियों के साथ फासला रखो। हाँ जी। कम से कम जो है कि 20 गज तक फासला लाजमी। 20 गज तक ना फासला लाजमी होना चाहिए। ये कभी भी ना बराबर पे गाड़ी चलाओ। हाँ, क्योंकि ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक में नुकसान भी हो सकता है। जी जी जी। इसलिए ना इसकी बहुत याद करो। अपनी भी करो और दूसरे सवारियों की भी करो। ठीक है। ये हमारे आदमी सबकी जानें होती हैं। हाँ जी। अगर ऐसे लापरवाही करेंगे और ना सिगरेट नोशी भी नहीं करो गाड़ी चलाते वक्त। हाँ जी। और फ़ोन वगैरह भी ना इस्तेमाल करो। हाँ, साइड पे खड़ी करें या कोई इशारे पे खड़े हो तो उस टाइम इस्तेमाल करें। बिल्कुल। फ़ोन जो है जो सुनना है तो साइड पे रोक के फिर सुनो। और सिगरेट नोशी तो बिल्कुल ही ना करो। ना कोई ये नस्वार वगैरह जो अगर लोग वो ड्राइवर करते हैं। नींद को अपने कहते हैं कि कम नींद आएगी। तो कोशिश करें कि जितना अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया हुआ है सोने का तो वो लाजमी कोशिश करें कि नींद पूरी करें। तो उसके बाद अपना काम करें। 12-14 घंटे गाड़ी चलाओ उसके बाद नींद पूरी करो फिर गाड़ी चलाओ वरना हादसों से बचोगे आप और दूसरों को बचाओ खुद भी बचो। ठीक है। तो इसके अलावा कोई आपका मैसेज? भाजी यही मैसेज है। ठीक है। हमारी खिदमत हासिल करें। हम तो खिदमत के लिए ठीक है। बिल्कुल। आपका नंबर दे दिया हुआ है वो गाड़ी के आपके सामने लिखा हुआ था। जितने भी रब्ता करना हो वो आपसे रब्ता कर लेगा। हम एक दफ़ा आजमा के देखें। हाँ जी बहुत अच्छी आपको सर्विस देगी। ठीक है। मेहरबानी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।